हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हार्ट अटैक करने वाला एक यूट्यूब का एट न्यूज निकल के आ रहा है, जो यूट्यूब मोनेटाइज पॉलिसी को लेकर के। ऐसे में आप सभी को पता ही होगा यूट्यूब का मोनेटाइज जो पॉलिसी है किस तरह है। क्राउड एरिया आपको कंप्लीट करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम को कम्प्लीट करके अपना चैनल को रिव्यू में भेजना है, उसका बाद मोनेटाइज होगा, उसका बाद का प्रोसेस आप सभी को पता होगा। तो ऐसे में एक न्यूज निकल के आ रहा है, जो यूट्यूब का जो मोनेटाइज पॉलिसी है बाद में चेंज होने वाला है। 1K सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, आपको 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, मोनेटाइज होगा। तो ये जो न्यूज निकल के आ रहा है, बहुत ऐसे वीडियो बन चुका है यूट्यूब पर, तो मेरा वीडियो हो सकता है आप लोगों को लेट में मिल रहा है। तो इसका पीछे रीजन यही है, जो मेरा इधर का पावर सप्लाई का थोड़ा इशू था, इस वजह से मैं आज बाहर में शूट कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को नॉइज भी ज्यादा आ सकता है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को एक सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो ये न्यूज निकल के आ रहा है यूट्यूब मोनेटाइज पॉलिसी को लेकर के, 10K सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो न्यूज है ये सही है, या अगर सही भी है, ये जो मोनेटाइज पॉलिसी है, ये रूल्स है, नया रूल्स कब तक लागू होगा, कब तक लॉन्च हो जाएगा, तो ये सारा कुछ मैं डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो मेरा इस चैनल में आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट, जैसे कि गाइस यूट्यूब का ये जो नया पॉलिसी निकल के आ रहा है मोनेटाइज को लेकर, 1000 सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, आपको 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज निकल के आ रहा है बहुत ही बैड न्यूज है, नए नए क्रिएटर को सुन के मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी को स्मॉल हार्ट अटैक भी आ सकता है, किसी को बिग हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ये उस तरह का न्यूज है। जो भाई मोनेटाइज 1000 सब्सक्राइबर था, उसको चेंज करके अभी 10K सब्सक्राइबर करना पड़ेगा। ये जो निकल के आ रहा है क्या सही है या झूठा है? तो गाइस बता दूं, ऐसा कोई यूट्यूब ने मेंशन या जिक्र भी नहीं किया है, जो यूट्यूब मोनेटाइज पॉलिसी चेंज होने वाला है, 10K सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, मोनेटाइज होगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। तो आप लोग डरना नहीं, और हार्ट अटैक आने का कोई बात नहीं होता है। अगर आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। ये जो निकल के आया है अपडेट, क्यों निकल के आया है, या फास्ट में कौन क्रिएटर, कौन बंदे ने ये टॉपिक को फाइन किया था, तो बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो टॉपिक को क्यों फाइन किया, भाई टॉपिक फाइन करने का पीछे रीजन तो होगा कोई ना कोई। तो गाइस मैं बता दूं, यूट्यूब का एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम आप सभी को पता है, आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हो, क्रिएटर इनसाइडर। तो ये यूट्यूब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो उसमें 2-3 वीक पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मतलब मेंशन किया था जो 10K सब्सक्राइबर, बस इतना ही मेंशन किया था। लेकिन जो बंदे ने इस टॉपिक को क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम, बाद में यूट्यूब पर काफी सारा वीडियो बन चुका है इसके बारे में, तो उस बंदे ने हो सकता है उस वीडियो को देख के मतलब थोड़ा सा वीडियो को देखा, बस कुछ गलत हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, उसका बाद में वो टॉपिक को फाइन कर दिया। क्योंकि उस वीडियो का एंड में बताया था जो 10K सब्सक्राइबर का बात क्यों किया उस वीडियो में, उसका रीजन क्या है लास्ट में बताया था। हो सकता है वो बंदे ने वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया, इसलिए गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देखो या और किसी का भी वीडियो देखो, वीडियो को फुल वॉच करो। क्योंकि बहुत ऐसे ऑडियंस होता है जो लोग वीडियो को प्ले कर लेता है, उसका बाद में वो सोचता है भाई ये जो बता रहा है मुझे पता है, मैं इससे अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ। तो गाइस अगर आप भी उस तरह ऑडियंस हो या व्यूअर्स हो, तो आप लोगों को वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, आपके पास टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, तो भाई आपको वीडियो देखने का क्या जरूरत है। तो गाइस जस्ट ये मतलब अफवाह है, ऐसा कोई न्यूज या ऐसा कोई जिक्र यूट्यूब ने नहीं किया है, जो आपको माइलस्टोन जो है मोनेटाइज जो का जो पॉलिसी है वो चेंज होने वाला है, 10K सब्सक्राइबर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस ये जो 10K सब्सक्राइबर अगर मानो हो भी जाए, मोनेटाइज पॉलिसी चेंज भी हो जाए, 10K सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, ये माइलस्टोन रख दे यूट्यूब ने, तो ढेर सारा फायदा होगा अगर आप एक नए क्रिएटर हो। क्योंकि गाइस 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट तो कर लेते हो, बहुत ऐसे क्रिएटर होता है जो कंप्लीट कर लेता है, करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज तो हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद 1000 सब्सक्राइबर अगर आपका चैनल में है, तो उसमें व्यूअर्स क्या आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा, नहीं आएगा, आपको 200-500 व्यूअर्स आएगा। क्योंकि बहुत ऐसे क्रिएटर का देखो मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, तब भी उसका वीडियो में लाखों में व्यूज आता है, क्योंकि उसका मिलियन सब्सक्राइबर है तो मिलियन में व्यूज आना चाहिए। ऐसे होता है यूट्यूब पर, अगर आपका जितना सब्सक्राइबर है उतना व्यूअर्स नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो ऐसे में अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उसमें आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा, अर्निंग भी नहीं होगा, स्पॉन्सरशिप भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका व्यूज कम है, व्यूज डाउन हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर 10K सब्सक्राइबर माइलस्टोन जो है पॉलिसी का रूल्स अगर चेंज
चेंज हो जाए तो उसमें अच्छा होगा। अगर आपका 10 के सब्सक्राइबर हो जाए उसका बाद में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। 10 के सब्सक्राइबर होने से आपका वीडियो में हर वीडियो में 5K 3K 4K इतना तो व्यूअर्स आएगा ऑब्वियसली। तो इसमें इतना व्यूअर्स आएगा तो आपका अर्निंग भी आएगा, स्पॉन्सरशिप भी आएगा, तो इसमें आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। उसके बाद गाइस ये जो न्यूज निकल के आया, जो भी क्रिएटर इसके बारे में फर्स्ट वीडियो फर्स्ट टॉपिक फाइन किया था, सिर्फ उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो हम लोग छोटा क्रिएटर हूँ, हम लोगों का अगर कोई भी टॉपिक फाइन करूँ तो उसमें व्यूज उतना नहीं आता है, लेकिन बड़े बड़े क्रिएटर को एक एक टॉपिक फाइन करने से 50K 60K करके व्यूअर्स आता है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग जो भी बोल रहे हो, आप गलत बोलो या अच्छे बोलो या सही बोलो, जो भी आप टॉपिक बना रहे हो, ऑडियंस जितना भी आपका देख रहा है आपको देख के वो इंस्पायर हो रहा है, आपसे मोटिवेशन हो रहा है, आपसे सारा कुछ सीख रहा है। अगर आप झूठा सिखाओगे, आप कुछ गलत बोलोगे तो आप जो बोलोगे वही सीखेगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो भी टॉपिक फाइन करना चाहो, चाहो आप एक नए क्रिएटर हो या आप एक बड़े क्रिएटर हो, तो आप लोग जो भी टॉपिक के बारे में आप फाइन करना चाहते हो, वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है, वो टॉपिक सही है, ये मैसेज अपडेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये रिसर्च करने के बाद आपको सारा कुछ डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे झूठा अफवाह नहीं फैलाना है, क्योंकि आप लोगों से छोटा क्रिएटर बोलो या बहुत ऐसे ऑडियंस इंस्पायर होता है, आप लोगों से मोटिवेशन होता है, नॉलेज लेता है। तो आप लोग अगर झूठा नॉलेज दोगे, झूठा इंस्पायर करोगे, तो भाई ऑडियंस कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो गाइस आशा करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को ये मोनेटाइज का नया रूल्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल से आप लोगों को पता चल गया। जो ये कोई मोनेटाइज का पॉलिसी रूल अभी तक लागू नहीं किया गया है, ऐसा कोई जिक्र भी नहीं किया है यूट्यूब ने। तो गाइस आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि YouTube से रिलेटेड हमेशा वीडियो मेरा इस चैनल में आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे Instagram में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ देर की बात किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।